रहे हैं कि जब कुछ बच्चे ऊपर बैठे और कुछ बच्चे नीचे। तेज बोलो सृष्टि, एक आप बोलो। ये अलग समुदाय के लोग हैं इसलिए नीचे बैठे हैं। तुम्हें पता है डीएम आर्टिकल 17 ये कहता है कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो या धर्म से। सॉरी सर, आप भी ऊपर बैठो। आप तो गले लगाओ। हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। तुम कहाँ से आए हो? हम लखनऊ से आए हैं। एडमिशन करा दीजिए हमारे बच्चे का। बोलो। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री की गई है। नहीं पैसे लेंगे हम तो, इतने ही पैसे लेंगे, पैसे नहीं दे सकते। भारतीय संविधान के मुताबिक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे फ्री पढ़ते हैं। वकील साहब की रोक दे रहा हूँ, बोलिए। बोलो। तुम जज हो, डीएम जज ही तो होता है। अभी से केस की सुनवाई शुरू हो। और इन्होंने बोला कि एडमिशन करवा लो, तो इन्होंने बोला कि 10,000 रुपये लगेंगे। इन्होंने बोला कि 6 से 14 साल के बच्चे तक तो पढ़ाई की है, तो उन्होंने बोला नहीं 10,000 रुपये लगेंगे। तो आप एक बार बात करो, एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया जाए। मुझे नहीं पता ये बात।
आईएसएससी गलती ना हो और बच्चे का तत्काल एडमिशन किया जाए। सब तालियां। सर हम आपके रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? अपने पुल अपने उसको बुलाइए कर्मचारियों को। तुमने ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप खुद केस मिला था ये? नहीं, ये केस तो हमें मिला ही नहीं। किसने नहीं दिया? हमें क्या, हमें तो किसी ने दिया ही नहीं था। मैं तो वहाँ आई नहीं, जीत के पास भी नहीं जाते। हमारे देश की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग पुलिस के पास भी नहीं जाते। चुप। सभी बच्चे क्लैप।